हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेलो विक्टिम। तो सो गाइस, आज की वीडियो में आपको एक कालियंस के एक टूल को बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है निक्टो। निक्टो एक कालियंस का ओपन सोर्स टूल है जो कि कालियंस में पहले से प्री इंस्टॉल्ड आता है। अगर आपके में प्री इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर डेडिकेट एक वीडियो बनाऊँगा या फिर आपका हेल्प जरूर करूँगा। तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, एंड देन इसमें आप कम से कम 6 से भी ज़्यादा स्कैनिंग कर सकते हैं। एंड इसमें आप सामने वाला टारगेट वेबसाइट का होस्ट पोर्ट्स एंड कौन सा सर्वर यूज़ कर रहा है ये सब भी स्कैन कर सकते हैं। इसमें 6 से भी ज़्यादा स्कैनिंग तो होते हैं, बहुत सारी स्कैनिंग है। आप इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन सी स्कैनिंग है, कैसे कैसे स्कैनिंग कर सकते हैं एंड क्या इसकी कमांड्स हैं। तो चलो गाइस, वीडियो में लेके चलता हूँ एंड निक्टो टूल का स्कैनिंग स्टार्ट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, तो आ चुका हूँ मैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर। यहाँ पर टर्मिनल को मैं ओपन कर लेता हूँ। उसको सिंपली आपको अपने टर्मिनल पर निक्टो सर्च मारना है एंड एंटर प्रेस जैसे करेंगे निक्टो लिख के, वैसे इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आप जान सकते हैं क्या क्या कमांड्स हैं, क्या क्या नहीं है। तो इसमें देख सकते हैं एरन होस्ट यूआईएल ये सब इसके यूज है, यूजेस बता रहा है। एंड आपको डिटेल में जानना है तो आपको सिंपली यहाँ फिर से सर्च करना पड़ेगा निक्टो -H। उसके बाद ये इसके पूरे डिटेल में जो भी इसके कमांड्स थे उसको डिटेल में बताएगा, क्या क्या यूज हैं, कैसे करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा निक्टो -H लिखने के बाद। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ कितने सारे यूजेस ये बता रहा है पूरे। एंड इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 9th नंबर पर एक्चुअल इंजेक्शन है, फाइल अपलोडर है, सॉफ्टवेयर है, मतलब बहुत सारे वेब सर्विस भी है, तो बहुत सारे स्कैनिंग होता है। तो चलो इसमें से मैं 9th नंबर वाला एक्चुअल इंजेक्शन को करके देखता हूँ। सिंपल आपको निक्टो -host लिखना है। होस्ट नहीं लिख रहे तो आप -H भी लिख सकते हैं, वो होस्ट का ही काम करता है। तो -H लिख के आपको अपने वेबसाइट का URL लिखना है, जैसे कि hellovictim.in, ये मेरा ही URL है तो मैं इसको लिख देता हूँ hellovictim.in। आपका जो भी होगा आप उसको लिख सकते हैं। उसके बाद आपको -tuning लिखना है एंड आपको जो भी आप ऊपर से स्कैनिंग करना चाहते हैं उसका नंबर लिखना है। तो यहाँ पर मैं 9th नंबर वाला स्कैनिंग कर रहा हूँ एक्चुअल इंजेक्शन, तो मैं ट्यूनिंग के जस्ट साइड में 9 नंबर लिख दूंगा। hellovictim.in मेरे खुद की साइट है, तो ये स्कैनिंग मैं अपने खुद के साइट पे कर रहा हूँ, आप दूसरे के साइट पे बिल्कुल भी मत करना। देख सकते हैं 9 नंबर एक्चुअल इंजेक्शन, जैसे मैं 9 लिखूंगा ये एक्चुअल इंजेक्शन को रन करा देगा एंड जितने भी इसके सर्विसेज हैं वो बता देंगे। तो निक्टो टूल में रन हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर टारगेट IP आ चुका है, इस वेबसाइट का टारगेट IP आ चुका है, टारगेट होस्ट आ चुका है hellovictim.in जो कि मैं खुद की साइट थी, एंड टारगेट पॉइंट भी है एंड मैसेजेस भी हैं, क्या क्या कौन कौन की IP से रिडायरेक्ट करके ये मैसेज जा रहे हैं एंड स्टैटिक टाइम भी है। तो ये सारी चीज़ हैकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये सब इन्फॉर्मेशन गैदर करके तभी एक हैकर किसी भी साइट को अटैक करता है, हैक करता है। एंड इस साइड से वल्नरेबिलिटीज के फाइंड करके आप अपने साइट को सिक्योर भी कर सकते हैं। तो ये दोनों यूज़ में आता है, हैकिंग के लिए भी एंड सिक्योरिटी पर्पस से भी। इस तरह से आप बहुत सारे, इसमें आप देख सकते हैं मैं 9 नंबर का किया था लेकिन इसमें बहुत सारे हैं। तो आगे की वीडियो में ये सारी स्कैनिंग मैं आपको बताऊंगा और कमांड्स के क्या क्या यूजेस हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा बाकी स्कैनिंग को। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।